सड़क पर चलते हुए अपने सुरक्षा नियमों की जानकारी और उनका पालन प्रत्येक की अपनी जिम्मेदारी होती है, लेकिन लोगों में इसकी जागरूकता लाने और सड़क नियमों का पालन कराने के लिए जुर्माना लगाना जरूरी हो जाता है, ताकि लोग जुर्माने के डर से ही सही नियम तो अपनाएं और खुद के साथ दूसरों को भी सड़क यातायात के दौरान सुरक्षित बनाएं। तो ऐसे लोग जो अपनी सुरक्षा के विपरीत सड़क यातायात नियमों का पालन सिर्फ जुर्माने और चालान के डर से करते हैं, ये जानकारियां खास उनके लिए जो ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों के खिलाफ किन किन सजाओं, चालानों और कार्यवाहियों का प्रोविज या प्रावधान है। अगर आप सड़क पर अपनी गाड़ी से निकल रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, और हाँ, अपनी जेब को भी जरा भारी करके ही निकलिए, क्योंकि अगर आपके सामने सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों की अनदेखी की तो आपको भारी भरकम चालान देना पड़ सकता है। आइए आपको बताते हैं आपकी कौन सी चूक आपकी जेब कितनी ढीली करवाएगी। अगर आपने अपने नाबालिग बच्चे की जिद में फंसकर उसके हाथ में गाड़ी दे दी और वो यातायात पुलिस की नजरों में आ गया तो 25,000 का चालान भरने के लिए तैयार हो जाए। इसके साथ ही आपको किसी मीटिंग में जाना है या किसी पार्टी में जाना है तो भाई वक्त से पहले ही निकलिए, क्योंकि आपने घर से निकलने में देरी कर दी और सोचा कि आप स्पीड में गाड़ी चलाकर जल्दी पहुंच जाएंगे तो ओवर स्पीड पर आपको 2,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ जाएगा। आप गाड़ी में बैठ ही गए हैं तो संग में जो है उन्हें कहें कि कपड़े की सिलवटें बिगड़ने की टेंशन छोड़ सीट बेल्ट जरूर लगाएं, क्योंकि बिना सीट बेल्ट के ट्रैफिक पुलिस ने आपको पकड़ लिया तो 1,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। और हाँ, ये अब फ्रंट और रियर दोनों के लिए है, आगे बैठे हैं तो भी सीट बेल्ट मस्ट है और पीछे बैठे हैं तो भी, वरना 1,000 का जुर्माना एक झटके में। अगर आप जल्दबाजी में चप्पल पहनकर ही अपनी बाइक लेकर निकल पड़े हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप पर 1,000 रुपए का चालान कट सकता है, क्योंकि मौजूदा मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक टू व्हीलर चलाते समय पूरी तरह से बंद जूते पहनना अनिवार्य है, और ऐसा नहीं किया तो भरिए 1,000। एक और बात, दो पहिया वाहन दो के लिए है, दो के ऊपर इस सवारी पर सवार हुए तो प्रति व्यक्ति 2,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा, 3 महीने के लिए लाइसेंस डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, सो अलग। इसके अलावा बिना RC यानी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिए बगैर गाड़ी सड़क पर उतरी तो आप ये समझ लीजिए कि जेब को 10,000 रुपए की चपत लगेगी। अगर कहीं ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोका और RC मांगी ना मिली तो 10,000 का फाइन। कहते हैं कि पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, लेकिन यातायात नियम कहते हैं कि पी के वाहन बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। चलाया तो नशे में गाड़ी चलाने वाले पर 10,000 रुपए का जुर्माना और साथ में 6 महीने की हवाला। ये सब होने पर भी आप नहीं समझे और दोबारा नशे की हालत में गाड़ी चलाते पकड़े गए तो अगला चालान 10 नहीं बल्कि 15,000 रुपए का होगा और सजा 4 गुना, यानी 2 साल तक जेल की हवा खानी पड़ेगी। बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना और साथ ही 3 महीने की जेल की सजा भी भुगतनी पड़ेगी। वाहन की ओवरसाइजिंग पर 5,000 रुपए, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर भी 5,000 और बाइक चलाते वक्त हेलमेट नहीं पहना होगा तो 1,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। और इन सब के अलावा आप सार्वजनिक सड़कों पर स्टंट दिखाते हुए रेसिंग करते हुए पकड़े गए तो आपका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। कमर्शियल व्हीकल्स वाले भी सुने, ओवरलोडिंग की तो 20,000 भरने होंगे, साथ ही ओवरलोडिंग का वेट होगा और फिर प्रति टन पर 2,000 रुपए के हिसाब से जुर्माना भरना होगा, वो अलग। और ये ओवरलोडिंग अगर सवारी की हुई तो जितने पैसेंजर एक्स्ट्रा हैं यानी व्हीकल कैपेसिटी के ऊपर हैं उनकी गिनती पर पर्सन आपको 1,000 रुपया देना होगा। बिना लाइसेंस के कमर्शियल व्हीकल्स का अनऑथराइज्ड यूज भी 5,000 का जुर्माना बनाता है। पीकर चलाना आपको भी महंगा पड़ेगा क्योंकि 10,000 रुपये आपको भी चुकाने होंगे। रश ड्राइविंग पर 5,000 रुपये तक और ओवर स्पीड करते पकड़े गए तो 1,000 का चालान और। बिना परमिट के गाड़ी चला ली तो 10,000 रुपये का चालान हो सकता है। एक और जरूरी बात जो जाननी जरूरी है और इसके प्रति जागरूक होना चाहिए कि सड़क पर चलते हुए आपातकालीन वाहनों यानी इमरजेंसी व्हीकल्स को रास्ता जरूर दें, जैसे कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड व्हीकल्स। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 10,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। अंतिम बात, आप अयोग्य हैं यानी ड्राइविंग नहीं आती लेकिन ले दे के लाइसेंस बनवा चुके हैं तो ये हुनर आपको पूरे 10,000 की चपत लगवाएगा, और अगर लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन पाया गया तो 25,000 से लेकर 1,00,000 तक चुकाने पड़ेंगे।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।